सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल को थ्रू ब्लॉग्स। तो मैं आ चुका हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर से, ठीक है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो फिलहाल तो मैं गया था कॉलेज, लेकिन आज मौसम भी अच्छा है, ठंडा है। कल बहुत गर्मी थी, तो अभी बड़े दिनों बाद कॉलेज गया। कल गया था फर्स्ट टाइम, मतलब कोई एक डेढ़ हफ्ता बाद। तो अफसोस इस बात का कि गर्मी नहीं जा पाए, एक हफ्ता दो हफ्ते छुट्टी थी हमें। फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन, इसके बाद एक क्लास है वो भी करेंगे। बड़े देर हो गए व्लॉग शूट किए हुए, तो सोचा आज व्लॉग ही बना लूँ। तो पिछले व्लॉग्स पे दो तीन व्लॉग्स पे अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन जो अभी लास्ट टाइम डाला था उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया मेरे को। चलो फिर आज बनाते हैं व्लॉग, देखते हैं कुछ मिलता है इंटरेस्टेड, आपको भी दिखाते हैं मज़ा आने वाला व्लॉग में। तो बने रहो व्लॉग के साथ। हो गाइज, अभी मैं आ गया मैस में। आज बनी है हमारे मैस में, है आज फीस्ट। तो ये हमें रसगुल्ले, सॉरी गुलाब जामुन दिए इन्होंने। ये पनीर है, बहुत बड़ा बड़ा पनीर डाला है इन्होंने। ये हमारा खीरा और ये हमारी परांठा बिना तेल में तला हुआ। तो खाते हैं फिर मिले। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो बड़े दिनों के ब्लॉग शूट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्ट मिल नहीं रहा था, नॉर्मल डालता हूँ तो उस पर अच्छा खासा रिस्पांस नहीं आता। फिलहाल तो आज मैं थोड़ा अपने रूम की सेटिंग की है। कपड़े तो ऐसे पड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने रखने कहाँ पे है, ऐसे कुछ है, आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे रखे होते हैं हमने कपड़े, बिकॉज और कहीं जगह नहीं है। तो बाकी ये हमने डाले थे, इस पर बहुत गंद डाला हुआ था, मैंने साफ कर दिया। अपने कपड़े भी थोड़े सेटिंग करके टांग के रखते हैं, क्योंकि एक ही रूम है, इसमें ही हम तीनों के कपड़े हैं। तो आप सोच ही सकते हो, देख ही सकते हो, ये मैंने अपनी सेटिंग कर लिया। ये हमारे बैग्स वगैरह पड़े हैं, ये हमारे टेबल है। टेबलों की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करूँगा मैं, इनको सेट करके रखूँगा, बाकी ये टेबल को भी सेट। बाकी नीचे गंद बहुत डाला हुआ है, तो सोचा है झाड़ू लगा दूँ, तो झाड़ू लगा रहा हूँ अभी मैं। थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देते हैं और बाकी फिर नहाना भी है अभी। तो शूज़ वगैरह मैंने अपने सेट करके रखे हैं, उन्होंने अपने वहाँ पर रखे हैं। तो अभी चलो फिर झाड़ू लगाते हैं, थोड़ा सफाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया रूम। तो ये भाई हॉस्टल लाइफ, देख सकते हो तुम लोग, टाइम ही नहीं लगता साफ़ करने का। कॉलेज जाओ, ट्यूशन, ये वो, ऐसे वैसे करते निकल जाता है। और ये हमने घर से लेके आया है अमित, सॉरी गौरव लेके आया है, ये मैं लेके आया था। जय हनुमान, जय शिव शंभू। तो ये भी थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं यहाँ की और झाड़ू लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। अभी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली, टेबल की ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा बहुत अपना सामान पैक करके रखा है, वो मेरा प्रोटीन है, अभी उसको अनबॉक्स करना है, आज ही करूँगा मैं, उसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। इसका टेबल थोड़ा ज़्यादा ही गंदा है, तो अभी फ़िलहाल तो इसको भी करते थोड़ी देर में साफ। बाकी आप देख सकते हो ये तार पूरी कपड़ों से भरी हुई थी, ये पूरी साफ़ कर दी। कपड़े सारे गौरव के साइड पर मैंने रख दिए हैं, अमित के पहले साइड पर रखे थे। बाकी मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था रूम। तो ये मेरे शूज़, मैंने अपने शूज़ 3 ये हैं और 2 इसमें रखे हैं मैंने। आज आपको अपना रिव्यू करवा देता हूँ अपने इस चीज़ का, मतलब अपने अलमारी का। तो 2 शूज़ यहाँ पे रखे हैं, 3 मेरे वहाँ पे हैं, और ये मेरे कपड़े हैं थोड़े बहुत। और इसमें मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, लेकिन मैंने सोचा था बच के रहेंगे, लेकिन ख़राब हो चुके हैं। बाकी इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गंद डाला है। ये मेरी मेडिसन्स हैं थोड़ी बहुत, जब कहीं बीमार हो जाओ तो। तो सो गाइस, ये थोड़ा बहुत घर से सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये मेरी बैग्स है जो कभी यूज़ ही नहीं, साबुन वगैरह रखा है इसमें, ये ओट्स लाए थे खाए नहीं, ये मेरा परफ्यूम है। बाकी ये थोड़ा बहुत सामान रखा है मैंने अपना, इन दोनों का भी करवाता हूँ चेक। ये मेरा था, ये रहा गौरव का, गौरव ने भी अपना थोड़ा बहुत सामान रखा है इसमें। ये मैगी पड़ी है हमारी, रात को खाई थी, आधी आधी इसमें रख दी है हमने। बाकी अभी अमित का चेक करवाते हैं, तो हम लॉक लगा के। अमित ने भाई बहुत कपड़े रखे हैं बिल्कुल परफेक्शन से, इसने तो अच्छे से रखे, मैंने भी रखे हैं, बट इसने भी अच्छे से रखे हैं। यहाँ पर अपना सामान इसने अच्छे से रखे, मैंने ऐसे फेंक दिया है। और थोड़ा बहुत सामान, बैग वगैरह रखे हैं यहाँ पर। बाकी बेड वगैरह भी थोड़े साफ़ किए अभी, मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखे। झाड़ू वगैरह लगाया जितना हो सकता था, मेरे से जितना हो सकता, भाई घर पे कभी काम ही नहीं किया लाइफ में, तो जितना हो सकता था सारा कुछ
साफ कर दिया। तो अभी लग रहा है कि बाकी रूम है, पर पसीना पड़ गया, अभी तो सूख गया, पर फैन लगाया नहीं तो फैन बंद करके कर रहा था, बहुत ही गंद पड़ा हुआ था। बाकी रूम कर दिया हमने साफ, तो अभी थोड़ा बहुत नहाते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ी बियर्ड भी अभी कट की, ट्रिम की, तो अभी जल्दी जल्दी नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और आज मैं अपने प्रोटीन की अनबॉक्सिंग भी करूँगा, वो भी दिखाऊँगा, अपना क्रिएटिन भी न्यू लिया वो भी दिखाऊँगा। पर और देख लो रूम मेरा, ये रहा मेरा टेबल, लैपटॉप ये भी बहुत गंदा हो गया, यहाँ से गंद पड़ता रहता है, पता नहीं भाई कहाँ से ऊपर देखो कितने घर जाले हो गए हैं, तो ये सब साफ करने वाले हैं। तो बाकी ये रहा मेरा टेबल, ये मेरा बैग है, ये कॉलेज बैग, ये मेरी जिम की बेल्ट, इसका भी एक शायद मैंने दिया था रिव्यू, नहीं दिया तो फिर दूंगा इस ब्लॉग में। आज मैं अपना रिव्यू वगैरह या अपना रूम वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ खास तो है नहीं। तो चलो फिर नहा के मिलते हैं। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग अपने प्रोटीन की, ठीक है, इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कैसा, ठीक है। और ये थ्री टाइम्स को भी अनबॉक्स करते हैं, भाई ये कोई ब्रांड प्रमोशन तो नहीं है, बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो ले लिया, फिलहाल तो वो ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बाकी मैंने डायग्नोस्ट कर लिया की 100% ग्रे प्रोटीन, तो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, आइसोलेट नहीं है, मुझे फिलहाल आइसोलेट की जरूरत नहीं है। तो ये अभी सील बैंड है, सील कैमरा मैन पास आ जाओ, ओके देखते हैं। नहीं रहा भाई, गाइस एक खुल चुका है, अभी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। बहुत हार्ड पैकिंग है भाई, तो गाइस कुछ ऐसा ही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है वैसे, बट कोड नहीं मिल रहा इसका, ये रहा इसका, ठीक है। इसकी कितनी सर्विंग है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा होगा, आपको ब्लॉग के बाद में बता दूँगा। बाकी ये रहा हमारा प्रोटीन और ये हमारा क्रिएटिन है, पसंद टैंक का लिया है पहले दिन से, एमपी का पड़ा है, अभी ये है थोड़ा बहुत, थोड़ी कोई 6-7 स्कूप हैं इसके, ये मन भी चल पड़ेगा, उसके बाद ये ओपन करेंगे, इसको ओपन करके देखते हैं। सही है भाई, ये भी देखने में प्रोटीन का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, पर इसका टेस्ट कैसा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये थोड़ा कड़वा है अभी एमबी का, फिलहाल ये यूज़ करते जितनी देर है उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए इसको करते हैं थोड़ी देर बाद, तो अभी मिलते हैं आपको सदा जिम में। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस, सॉरी। तो आ गया हूँ मैं वापस अपने ब्लॉग के साथ, तो 3-4 दिन हो गए इस ब्लॉग को बनाते हुए, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा ब्लॉग एंड करने का। तो अभी मैंने सोचा था कि आज शाम को, कल जिम जाना था, आपको ब्लॉग दिखाना था, बट बनाया नहीं वहाँ पे जाके, कल था मेरा शोल्डर का वर्कआउट, तो आज लेग का वर्कआउट, तो अभी मैंने इसके लिए आप वीडियो ऑन की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये अभी बेल्ट ली थी न्यू, ठीक है, इसका भी रिव्यू देते हैं। तो ये ली थी मैंने बेल्ट, ठीक है, मेरे को अच्छी लगी है और थोड़ी थिक है बहुत, USI यूनिवर्सल एक कंपनी है,
और भाई कोई प्रमोशन तो है नहीं, अभी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हमें कौन ब्रांड प्रमोशन के लिए बुला रहा है। बाकी ये मेरे को थिक लगी पर्सनली, अभी थोड़े बहुत यूज़ किया है, हार्ड है अभी थोड़ी, बट देखते हैं आज, ऐसे भी लेग का वर्कआउट है तो आज स्क्वाट्स लगाएंगे। बाकी रूम की हालत वैसे की वैसी है अभी, फिलहाल तो अच्छे से। बाकी वो कल मैंने रिव्यू दिया था अपने प्रोटीन्स वगैरह का, तो चलो फिर आज चलेंगे शाम को जिम, फिर मिलेंगे आपको, आज इस करेंगे इसके साथ हम वर्कआउट स्क्वाट्स। फाइनली गाइस टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का, था सोचा था जिम में शूट करूंगा पर याद भूल गया, मतलब शूट कर नहीं पाया यार थोड़ा सा, और शोल्डर में पेन हो रही है बड़ी ज़्यादा, क्योंकि कल के शोल्डर बड़े हार्ड तरीके से लगा दिए, तो अभी हाथ नहीं ऊपर जा रहे, शर्ट नहीं उतर रही, टी शर्ट वगैरह, तो दर्द बड़ी ज़्यादा हो गया। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। आज हमने अपने मतलब एक तरह का मैंने अपना रूम टूर ही करवा दिया, कि हॉस्टल में हमारा जो रूम है उसका टूर करवा दिया, अपनी अलमारी वगैरह सबको दिखा दिया हमने, तो कैसा लगा आपको हमारा रूम ये भी बताना कमेंट में, ठीक है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर दो ज़्यादा सब्सक्राइब ऐसे मोर इंटरेस्टेड ब्लॉग्स के लिए। तो अभी आने वाले ब्लॉग्स भी अच्छे होंगे, कोशिश करूँगा अच्छे बनाने की, और फिर एक दो मंथ के बाद हम वापस घर भी जा रहे हैं, तो घर जाके तो अभी हम जाएंगे सर्दियों में, तो कुछ अलग ही प्लान होगा, वो प्लान अभी मैं बता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि क्या प्लान है, बट प्लान करेंगे कुछ ना कुछ, बस आपका प्यार बना रहे, बाकी हम कुछ ना कुछ प्लान कर ही लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे कोई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डोगरी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, जय हनुमान, जय श्री राम।